नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। मध्य प्रदेश जीके ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आज 19वां एपिसोड है। आज भी पिछले सभी एपिसोड्स की तरह हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ूंगा, कुछ देर के लिए रुकूंगा और उसके बाद आपको सही जवाब भी बताऊंगा। जितनी देर के लिए मैं बीच में रुकूंगा उसमें आपको सही जवाब देना है। अंत में जब 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो आपको ये देखना है कि आपने कितने सही आंसर दिए। जो आंसर आपके गलत हुए होंगे उसके बारे में आपको और पढ़ना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस के बारे में पूछ भी सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन शुरू करें, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज facebook.com/operinistic को भी अवश्य लाइक करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द टोम्ब ऑफ तानसेन इज सिचुएटेड इन, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं ग्वालियर, मंडला, ओरछा या रायसेन। सही जवाब है ग्वालियर। तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है और वहीं पर थोड़ी दूर में ही मोहम्मद गौस का भी मकबरा है जो कि तानसेन के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 2, सांची स्तूपाज वेर बिल्ट बाय, सांची के स्तूप किसके द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन हैं चंदेल्स, कल्चुरीज, अशोका या सारीपुत्र। सही जवाब है अशोका। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप बनवाए थे। बुद्धिज्म को का प्रमोशन भी था उसमें और वो एक कॉन्वेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, सन डायल वेदशाला जिसे हम लोग जंतर मंतर भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन हैं उज्जैन, चित्रकूट, भोपाल या महेश्वर। सही जवाब है उज्जैन। मध्य प्रदेश में वेदशाला या जंतर मंतर या फिर इंग्लिश में इसे सन डायल कह सकते हैं, ये उज्जैन में स्थित है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इसे सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था जो कि आमेर के महाराज हुआ करते थे। उन्होंने इस तरह के और भी जंतर मंतर बनवाए हैं जिसमें से एक जयपुर में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू एंगर ऑफ जहांगीर अब्दुल रहीम खान खाना टुक रेफ्यूज इन, जहांगीर के क्रोध के बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने कहां पर शरण ली थी। ऑप्शन है चित्रकूट, मांडू, पचमढ़ी या जबलपुर। सही जवाब है चित्रकूट। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत समय तक बीच में चित्रकूट में आकर रहे थे जब जहांगीर उनके ऊपर नाराज थे। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्तागिरी इज सिचुएटेड इन, मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ है कहां पर स्थित है। ऑप्शन हैं बैतूल, मंदसौर, बड़वानी या सिवनी। सही जवाब है बैतूल। मुक्तागिरी जैन पिलग्रिमेज प्लेस है जो कि बैतूल में स्थित है। ये सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी इज, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन है धूपगढ़, अमरकंटक, जानापाव या चित्रकूट। सही जवाब है धूपगढ़। धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में स्थित है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 1352 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऋषि इज एसोसिएटेड विथ भेड़ा घाट, कौन से ऋषि थे जो भेड़ा घाट से संबंधित हैं। ऑप्शन हैं ऋषि अगस्त्य, ऋषि भृगु, ऋषि अत्रि या ऋषि वाल्मीकि। सही जवाब है ऋषि भृगु। ऋषि भृगु पूरे भारत में घूमे हैं, अनेक स्थानों से संबंधित रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट से भी संबंध रहा है। ऋषि भृगु ने भृगु संहिता लिखी थी जो कि एक मास्टरपीस बुक है ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के ऊपर एक
बड़ा ही महान वर्क है जो कि ऋषि भृगु द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मंदसौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, मंदसौर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है शिवना, नर्मदा, तवा या सोन। सही जवाब है शिवना। मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जिला है वो शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1858 कैप्टन वार्डन डिस्कवर्ड, 1858 में कैप्टन वार्डन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन है चचाई फॉल्स, मुक्तागिरी, पचमढ़ी या भीमबेटका। सही जवाब है पचमढ़ी। कैप्टन वार्डन ने पचमढ़ी नामक स्थान की खोज की थी 1858 में, और ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही सेंट्रल इंडिया में एक बड़ी सुकूनदायक जगह साबित हुई, जहाँ पर अंग्रेज अपनी छुट्टियाँ मनाने भी जाते थे, या फिर कई अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे रहते भी थे। क्वेश्चन नंबर 10, अप्सरा विहार इज सिचुएटेड इन, अप्सरा विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, मांडू, चित्रकूट या पचमढ़ी। सही जवाब है पचमढ़ी। अप्सरा विहार पचमढ़ी में स्थित एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर आए होंगे। आपके यदि कोई फीडबैक हो, आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। मुलाकात होगी अगले पार्ट में, एक बार फिर से नमस्कार।